हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के दोस्तों विषय हिंदी का हमने ब्लूप्रिंट लिया है। ये दोस्तों ब्लूप्रिंट आपको टॉपर बनाएगी 2024 के वार्षिक परीक्षा में। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड का जो अभी एग्जाम होगा ना, उसके लिए आपको टॉपर बना देगी। ये पक्का बता रहा हूं, बिल्कुल कोई फेक नहीं है। टॉपर इसी से पढ़ते हैं, आप देखेंगे जरूर कि टॉपर इसी से पढ़ के ही टॉप करते हैं। कि 2024 के जो ब्लूप्रिंट है हिंदी का, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, कहां से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारा जानकारी इसी में छिपा हुआ है। और इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड ने खुद जारी किया है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए ये ब्लूप्रिंट आपको दिखाएंगे और आपका कितना क्वेश्चन पेपर कठिन है या कितना सरल आएगा, सारी जानकारी दे देते हैं आप सभी लोग को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड, यहाँ पर ब्लूप्रिंट लिखा हुआ छत्तीसगढ़ का ही है। मैं कोई फेक वीडियो कभी नहीं बनाया हूँ आज तक YouTube पे, ठीक है। तो मेरे ऊपर पूरा टच करके आप ये वीडियो देखें कि विषय हिंदी का है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक जो होगा 75 नंबर का है। समय 3 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। आपका जो 2024 की भी बोर्ड की परीक्षा होगी ना, उसमें आपका 75 नंबर का हिंदी का पेपर होगा। और आप जब पेपर सॉल्व करने के लिए आप पेपर हॉल में बैठेंगे, तो समय 3 घंटे का आपको पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसे कि बता दें कि क्वेश्चन पेपर कितना कठिन रहेगा, कितना सरल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कठिनाई स्तर और प्रतिशत। सरल जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 30% जो प्रश्न होंगे वो सरल होंगे। औसत जो होगा मीडियम होगा, कठिन होगा और सरल दोनों होगा। कठिन भी होगा सरल होगा, दोनों के बीच का होगा वो 50% होगा। थोड़ा सा टफ वाला जो क्वेश्चन होगा वो कठिन वाला होगा, 20% आपका कठिन क्वेश्चन आएगा। 2000 में यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से और कौन कौन से यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट के अंदर देख पा रहे हैं कि इकाई फर्स्ट के अंदर का यहाँ पर नंबर है, देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 8 या उससे अधिक नंबर वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। देखो, चंद्र गहना से लौटी बेर और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक और बादल को घिरते देखा है। ये तीन चैप्टर में से दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग 8 नंबर के, एक एक नंबर वाले 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो इन तीनों चैप्टर में से कोई भी ऐसा कोई 2 क्वेश्चन होगा जो कि एक एक नंबर वाले होंगे। 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन होगा, 4 नंबर वाला 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से यहाँ से 8 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है। और टोटल प्रश्न यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं कि 2 इसमें 3, 2 4, 4 टोटल यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएगा। सेकेंड आपका जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका इकाई है जिसमें मैं मजदूर हूँ और जनतंत्र का जन्म और अपनी अपनी बीमारी, ये तीन चैप्टर में से दोस्तों 8 नंबर के फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, इन तीनों चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है। और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपका यहाँ पर इकाई 3 जिसमें माटी वाली आपका पार्ट, कन्यादान पार्ट, पुरस्कार और घीसा, ये तीन, इन चारों चैप्टर में से दोस्तों 8 नंबर के फिर से प्रश्न पूछे जाएगा, जिसमें से आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर वाला इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल यहाँ से 8 नंबर का आएगा। टोटल जो प्रश्न होगा यहाँ पर देख पा रहे हैं 3, 2, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। आगे चले दोस्तों इकाई नंबर 4 जहाँ पर आपको शहीद वीर नारायण सिंह, गृह प्रवेश और छत्तीसगढ़ लोक कला कलाएं से, यहाँ से आपको टोटल 7 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों 1 नंबर के 2 प्रश्न होगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 3 नंबर का दोस्तों 1 प्रश्न होगा। तो टोटल यहाँ से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग 4 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपका इकाई नंबर 5 की बात करें तो ये जिंदगी फिर चमक जाए, मरिया और सील के बैरवे छंद, यहाँ से दोस्तों 6 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएगा, जहाँ पर 1 नंबर का दोस्तों 2 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन होगा और यहाँ पे आपका 4 नंबर का दोस्तों 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से 6 नंबर का होगा। जीवन का झरना और आपका अब आता है यूनिट नंबर या इकाई या पार्ट 6। जीवन का झरना और एक था टूट पेड़ और 7, यहाँ ये 3 चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में से दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जहाँ से 1 नंबर के 3 प्रश्न होगा और यहाँ पर 4 नंबर का 1 प्रश्न होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी में से चैप्टर में से आ सकता है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज में लाने वाला हूँ ना, इतना इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए कि टॉपर तो बना ही देगी। मान लो आपका 80% कहीं नहीं गया यार, अगर आप वो सीरीज देखेंगे तो। मैं बहुत ही सटीक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करता हूँ, मध्यकालीन काव्य मीराबाई है ना, दादू दयाल, मैं लेखक कैसे बना, जेब कतरा और गोधली, इनमें से दोस्तों इन सारे चैप्टर में से 8 नंबर के प्रश्न आएगा, ठीक है, जिसमें से 1 नंबर 1 क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का 1 होगा,
ठीक है, और दो चार नंबर का एक होगा, ठीक है, प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन होगा जो कि 8 नंबर का होगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी में करना है भैया, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें से उससे 5 नंबर का प्रश्न होगा, 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, तो टोटल यहाँ से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अपठित गद्यांश एवं पत्र लिखन से आपका 10 नंबर का प्रश्न आएगा, देख पाए 10 नंबर में बताऊंगा कि कैसे आप लोग लिख सकते हैं पत्र लिखन और अपठित गद्यांश, ठीक है। तो यहां से दोस्तों यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 6 नंबर के यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। और निबंध लेखन से 8 नंबर का होगा, तो ये निबंध लेखन के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ही क्वेश्चन होगा निबंध लेखन का, जो कि 8 नंबर का होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 1 नंबर वाले दोस्तों 15 प्रश्न आपको पूछे जाएगा, ठीक है। 2 नंबर वाले आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के बोर्ड परीक्षा में, और 3 नंबर वाले दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा, और 4 नंबर वाले दोस्तों आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 प्रश्न पूछा जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 5 नंबर वाले दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 नंबर वाले एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों टिप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाठ्यक्रम समाहित व्याकरण संबंधित प्रश्न आवश्यकता अनुसार अनिवार्य दिया जाएगा, ठीक है आपको। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जो PDF या आपका जो फोटो है, मैं अपने व्हाट्सअप जो चैनल बनाया हुआ हूँ उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है।